रिचार्ज होगी उस समय ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होगा, और जनरेट होगा कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। आईडी ड्यूरिंग रिचार्जिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीजेस एंड सेल नीड्स टू बी रिचार्ज। सॉरी, सेल बिकम रिचार्ज, सेल बिकम रिचार्ज या रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज हो जाएगा। When concentration become 1.3 gram per day, सर कंसंट्रेशन 1.3 ग्राम लीन क्यूब से ज्यादा नहीं हो सकता। जब लिया ही नहीं गया तो होगा क्या, जितना लिया गया होगा देखो उतने तो होगा फिर, जैसे घट गया तो 1.2 का डिस्चार्ज। From this cell, potential of about 12 volt can be obtained. Potential of about 12 volt can be obtained. This cell is used in inverter and motor battery. Book laya hai, book laya hai, kaise kiya hai? क्वेश्चन दिखाना था, क्वेश्चन दिखाना था। जी सर, तो निकल कैडमियम सेल, ठीक है, बुक में ऐसे आके लिखा होगा, तो देखना एक लाइन लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर इससे 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा और इसको रिचार्ज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोड पर चिपके रह जाते हैं, ठीक है, और ये लाइट मतलब हल्की सेल होती है, इसलिए इसका यूज लेड स्टोरेज सेल के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है। तो माइक्रोफोन या मोबाइल वगैरह में जो रिचार्ज हो रहे हैं, छोटे बैटरी ये सब होती है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस सेल कैन बी रिचार्ज, कैन बी रिचार्ज एज फ्रॉम दिस सेल, सॉरी सॉरी, एज टीवी स्टोरेज सेल इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स एक्सपीरियर चिपके रह जाता है, रियल तक चिपके रहना फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल ऑफ अबाउट 1.4 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड। ये सेल हल्की है, पैक होती है, मतलब टाइटली पैक होती है, ठीक है, और कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए इसका यूज हल्की और बेटर है, बेटर है। दिस सेल इज लाइटर कॉम्पैक्ट
सो इट्स ह्यूज इज मोर बेटर इन मोबाइल watches it is you mobile mein ghadiyon mein जैसे पहले ये तो काफी पुरानी बैटरी है तो जो पढ़ रहे हैं पढ़ते चल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं सिलेबस को कॉन्सेप्ट ठीक है वाली बदल के ओके यस सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज मोर काउंट ये इसको डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं डायरेक्ट सोर्स अगर आपका एक चूहन इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फ्यूल सेल इसको बेसल सेल भी कहते हैं ये हाइड्रोजन पर आप कहते हैं H2O2 है हाइड्रोजन पर आप कहते हैं बेकन सेल इसको यहां पर पोरस ग्रेफाइट पोरस मतलब छिद्र ग्रेफाइट पोरस ग्रेफाइट कैथोड यहां पर इसकी इलेक्ट्रोड पर कोबाल्ट ऑक्साइड सिल्वर और प्लैटिनम एज कैटलिस्ट KOH इलेक्ट्रोलाइट कंबसन होगी तो एनर्जी जनरेट होगी
वही कंबसन एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंबसन एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय प्रोडक्ट यहां पर दिस इज मोस्ट इफिशियंट सेल efficiency delta G upon delta H ये नियर अबाउट साल करेंगे तो 98% आएगा। इफिशियंसी कितने होगी? 98% पोल्यूशन फ्री सेल पोल्यूशन फ्री सेल प्रदूषण रहित सेल है। बीइंग मोस्ट इफिशिएंट एंड पोल्यूशन फ्री सेल being most efficient and pollution free cell it is used in space purpose like for Apollo moon mission like for flight in इसको स्पेस पर्पज में यूज करते हैं जैसे अपोलो मून मिशन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री सेल है इसका कोई प्रदूषण नहीं होता और भैया सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। इट्स बाय प्रोडक्ट वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एस्ट्रोनॉट्स मीन्स अंतरिक्ष यात्री स्पेस पर्पस बाय एस्ट्रोनॉट्स तो एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज स्पेस पर्पस में करते हैं पीने के लिए ड्रिंकिंग पर्पस में करते हैं। ये फार्मूला याद रखेगा पूछा जाता है क्या भैया बात करो सर जैसे सिंपल वे में क्या होता है इसे सिंपल वे में सर ऐसा कैसे बनाते हैं ये इसलिए सर हर ये सेल कितना बड़ा बनाते हैं कि ये बैटरी ये सेल फ्यूल सेल कैसे बनाते हैं ये सर इंजन जो हम लोग इसमें यूज करते हैं उससे बहुत अलग होता है क्या क्या होते हैं। ठीक है तुम्हें जितना
पावर भी इसकी सर मैक्सिमम होती है, पावर भी इसकी मैक्सिमम होती है। तो तुम्हें कितना मतलब एनर्जी जनरेट करना उसके हिसाब से उसके एरिया डिसाइड करोगे, उतना कंबसन एनर्जी जनरेट करोगे। ठीक है, कंबसन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिव एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ऊपर आएगी। कंबसन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिव एनर्जी क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक है, तो कंबसन ज्यादा करने के लिए टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फुल ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ये सर पोरस ग्रेफाइट रॉड भी कुछ करता है, पोरस ग्रेफाइट रॉड भी कुछ करता होगा, कैटलिस्ट का काम ये करता है कि दूसरा है। पोरस ग्रेफाइट रॉड इलेक्ट्रोड होता है जी सर, एनोड और कैथोड, उस पर पैकेज लिखे गए थे, कोबाल्ट ऑक्साइड लिखा गया ना, हाँ, प्लेटिनम प्लेटिनम और सिल्वर एज कैटलिस्ट। यस, KOH इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरा रहता है उसमें, KOH इलेक्ट्रोलाइट उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता ना, KOH थोड़ा बहुत होता है जी सर। ठीक है, बाकी तो वो कंपैक्ट रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है, जब तक पास करोगे तब तक एनर्जी मिलेगी, तब तक कंबसन चलेगा जी सर। ठीक है, पास करना बंद, कंबसन बंद, एनर्जी बंद, स्टेज को डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह रहे हैं। और सर ये निकालने के रूप में पानी निकालता रहता है एनर्जी, भैया निकास द्वार बना है ना वहाँ पर आउटलेट जी सर, और ये निकलेगा नहीं फिर वही भी दिया जाता है। ओके, तो ये फ्यूल सेल के बारे में हो गया। ठीक है, एक और हेडिंग बच रही है, दैट इज कोरोसन संक्षारण, एक और हेडिंग बच रही है, दैट इज कोरोसन। यस सर, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन चरण, डिटोरियोरेशन के हिंदी क्या होता है, चरण ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर एयर एंड इम्प्योरिटी। Conversion of metal.
साइड इन प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कोई मॉइस्चर एयर एंड इंप्योरिटी एंड इंप्योरिटी इंप्योरिटी इट इज electrochemical process. It is electrochemical process. Factor affecting it increases or it increases in presence of moisture and impurity, saline water in salt. Reactivity of metal is stress and strain in metal is stress and strain in metal gases like O2, CO2, SO2, PVC, acidic medium i.e. presence of H+ i.e. presence of H+ ठीक है presence of H+ मैकेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट है फिर कहानी खत्म
प्योर सरफेस इम्प्योर सरफेस इम्प्योर सरफेस क्या होगा नो सर सभी मेट्रो का अच्छा रोड होता है सभी मेट्रो का क्रॉस होने का सोने का भी सोने का भी इलेक्ट्रिकल सिर्फ पढ़ाए याद है याद नहीं पढ़ाए उसमें लिखा है था जो हाइड्रोजन के नीचे उनका क्रॉसन नहीं हाँ ये बता रहा तब एक बार छत्तीसगढ़ पीएमपी में पूछा गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन या एच प्लस या दोनों ये जो OH माइनस बना है कैथोड का एनोड के Fe डबल प्लस से एड कर जाएगा तो Fe डबल प्लस प्लस 2OH माइनस इक्वल टू FeOH फोर ट्वाइस ठीक है एट सरफेस ये सरफेस का आ जाएगा हाइड्रेटेड
दैट इज रस्ट। आयरन का मास कितना होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस थ्री होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? प्लस थ्री होगा। ठीक है, फिर ध्यान देना, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज फार्मूला ऑफ रस्ट, ये Fe2O3। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होगा आयरन जो मेटल है उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा भैया। रस्टिंग में मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। अरे आयरन था ये Fe2O3 बन गया, ऑक्सीजन जुड़ा उसका मास कोई मतलब नहीं है, बढ़ा संचालन जैसे बढ़ा। इंटरेस्टिंग मास ऑफ आयरन इंक्रीजेस। रस्टिंग किसको बोलते हैं? उसी पोर्शन को रस्टिंग में करते हैं, उसी पोर्शन को क्या करते हैं? रस्टिंग। मिटाएंगे क्या इसको भैया? जी सर। प्रोटेक्शन, जिस मेटल का प्रोटेक्शन करना उस पर ऑयल पेंट या क्या करेंगे? ग्रीस लगा देंगे। ठीक है, वाई आयरन पेंटिंग आर ग्रीसिंग। दूसरा हो जाएगा बाइसाइक्लिफिशियल प्रोटेक्शन। बाइसाइक्लिफिशियल प्रोटेक्शन ठीक है, यहां पर दो है, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। बाय कवरिंग बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। बाय कवरिंग क्या कहेंगे? टिन। टिन की कवरिंग करेंगे तो टिन, और जिंक की
की कवरिंग करें गैल्वेनाइजेशन मोर बेटर। ठीक है, तो जिस मेटल की कवरिंग मतलब प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं उसको उससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से क्या करोगे कवर कवर करेंगे फॉर कवरिंग, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव को मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। यहां पर विद लेस रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी यूज्ड अब देखो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है जिंक है, तो इसलिए जिंक की कवरिंग यूज करेंगे। ध्यान देना बेटा, अगर जिंक की कवरिंग नहीं यूज कर रहे हो, मान लो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल यूज कर रहे हो, तो ध्यान देना जैसे मान लो सरफेस टूट गया हो, तो टूट गया तो यहाँ पर मॉइस्चर और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी इकट्ठा हो जाएगा, तो मॉइस्चर और इम्प्योरिटी इकट्ठा हो जाएगी तो यहाँ पर दो अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, आयरन जिंक और जिंक मतलब जो भी है, तो जिंक है यहाँ पर मान लो जिंक और आयरन है, तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देने लगेगा और आयरन देने लगेगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और अगर यहाँ पर टिन था तो टिन इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा और ये जिंक देने लगेगा आयरन देने लगेगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन ही रस्टिंग है। ठीक है, तो लिख लेंगे नोट करके क्या If cover of less electro positive metal is used, then rate of rusting increases. In case cover get broken, तो अगर कवर टूट जाते हैं तो रस्टिंग क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कवर्ड मेटल है ये इंसान क्या करना चाहता मतलब कवरिंग जो है कवर्ड मेटल मतलब जो इस मेटल की कवरिंग बनाई गई है वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा रिसीव करने लगेगा। ठीक है, तो रिसीव करने लगेगा तो फिर रेट क्या होगा बढ़ जाएगा बेटा क्या yes, तो सब ऐसा करें टिन का लगाएं ना तभी तो करें, लेकिन अब आपको जिंक नहीं मिला तब क्या करोगे लगाना पड़ेगा टिन लगाना बाइक का एनोटिक लेकिन सर अगर लेफ्ट ब्रेक ना हुआ तब भी प्रोटेक्शन का ही काम करेगा उसकी, अगर ब्रेक हुआ तब एक कंडीशन बनेगी भाई कैथोडिक प्रोटेक्शन, इससे वही प्रोसेस है। ध्यान रखना जिस मेटल का प्रोटेक्शन करना है उसको मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से वायर के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, ये मॉइस्चर ये इलेक्ट्रोलाइट से लेकर है या मॉइस्चर इम्प्योरिटी और प्लस क्या हो जाएगा बेटा एयर मॉइस्चर इम्प्योरिटी और क्या हो जाएगा एयर, जिसको आप क्या कहोगे इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। अब ध्यान देना यहां पर ये आयरन है और ये क्या है जिंक है, तो अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जिंक ज्यादा पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसका तो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन आयरन इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा आयरन की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आयरन की तरफ जाएगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगा, तो आयरन क्या रहेगा सेफ रहेगा सेफ रहेगा, तो जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से वायर के द्वारा कनेक्ट कनेक्ट करना है। तो यहां पर द मेटल व्हिच हैज टू बी प्रोटेक्टेड
इज कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैटर विद परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय वायर। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैटर से वायर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैटर से वायर से जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन है जरूरी? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कौन है जरूरी? अभी तुम यार अनाप शनाप क्वेश्चन का है पूछते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब रस्किन पढ़ाना शुरू किए तो वहां पर हम ये वर्ड बोले थे कि इलेक्ट्रोलाइट इज मस्ट फॉर फॉर पोरशन और इलेक्ट्रो देखो वहां पर सरफेस बनाकर लिखे हैं मैंने वही सर कहने मतलब कि ये सेल बनना चाहिए सेल बिल्कुल नहीं नहीं फिर होगा ही नहीं कुछ नहीं होगा सेल बना के तब सेव किया जाता है इसलिए हाँ जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तब ही होगा इलेक्ट्रोलाइट नहीं अभी आपको इतना क्लियर हर वर्ड आपको दिख रहा है बता रहे हैं क्या उसमें कंफ्यूजन पाल रहे हो बैठो। हाँ क्या बोलते थे तो जिस मटेरियल का प्रोटेक्शन करना है उसको उससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मटेरियल से वायर से क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, बाय दिस मेथड पेट्रोल टैंक वाटर पाइप एंड सिप्स ये वाटर पाइप जो मिट्टी के अंदर इधर आती है वाटर पाइप जो अंदर से पानी सप्लाई होती है वो अंदर ही रहते हैं जो पेट्रोल टैंक्स होते हैं अंदर ही रहते हैं मिट्टी के अंदर धंसे होते हैं सिप्स जो वाटर में समुद्रों में जहाजें होती हैं समुद्री जहाजें वो कहाँ पर होती हैं सब ऐसे ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जहाजें होती हैं समुद्री जहाजें होती हैं सिप्स होते हैं क्या इनके नीचे मैग्नीशियम ब्लॉक लगा देते हैं आपके आपने एक क्वेश्चन बना हुआ है कि मैग्नीशियम ब्लॉक क्यों लगा देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन बना हुआ है कि जिससे ठोकर न लगने पाए होयल उसे टकराने न पाए रस्टिंग ना होने पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे रस्टिंग ना होने पाए। On the bottom of sips, magnesium blocks are attached to prevent rusting, to prevent it from rusting. Prevent of the rona. प्रिवेंट का जो इंग्लिश वर्ड वहां पर हिंदी नहीं आता उसका लिख लिया करो इसलिए बता देते हैं। ठीक भैया, ऐसा नहीं कि सब आता ही हो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं सर जो वर्ड हमें लगता है कोई आपको दिक्कत होगी उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो उसको आप हिंदी आप प्रिवेंट का मतलब उठना रस्टिंग मतलब वही जंग संचार और लास्ट हो जाएगा भैया लास्ट हो जाएगा बाई यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन बाई यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। यहाँ पर ध्यान रखा आपने भी कहा था कि मीडियम एसिडिक होना चाहिए। जी सर, अगर मीडियम एसिडिक ना होने दिया जाए इसका तो रस्टिंग नहीं होगी। जी सर, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक मीडियम लेते हैं मतलब जिस मेटल का प्रोटेक्शन करना उसको बेसिक सॉल्यूशन में डूबो दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा द मेटल हैज डीप टर्न बेसिक सॉल्यूशन व्हिच हैज टू बी प्रोटेक्ट इज डिप्ड इन बेसिक Na2CrO4 solution
ध्यान देना ये सारे रूप है, देखो ना ये सारे रूप है, लेकिन सोडियम क्या है स्ट्रांग बेस और ये H3PO4B केसेड, ये भी सोडियम स्ट्रांग बेस और यहाँ पर ये सोडियम वाला इसको ना तो ये 2CrO4 क्या हो जाएगा बी केसेड, तो स्ट्रांग बेस और बी केसेड का जो सोल्यूशन साल बनेगा क्या होगा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है तो यहाँ तक हो गया भैया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। कल कुछ चीजें जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी हो गई, इन दोनों एक चीजों पर कुछ चर्चा 10-5 मिनट हो जाएगी, बाकी लोग कल शुरू करके रिडक्शन ले, ठीक है। यस ठीक है। ब्लैक ब्लैक नॉट ब्लैक BL पोस्ट